जो लोग किसान बिल को नहीं जानते, समझ रहे हैं किसान हुड़दंग मचा रहे हैं, जबकि वो तीन किसान जो बिल है ना, वो आप लोगों का मौत का डेथ वारंट है जो नरेंद्र मोदी ने साइन किया है, लेकिन वो प्रिंट जो हुआ है ना, उसकी टाइपिंग जो हुई है, वो मुंबई के कोलाबा में अंटीला में हुई है। ये गौतम अडानी के दफ्तर से टाइप होकर आया और यहां साइन किया गया है। मुझे लगता है कि ये जो कानून है ना, इसमें आप बेसिक एक लाइन में आपको बताता हूं, इस कानून की वजह से जो किसान है, ये कहते हैं किसान अपना जो माल है ना वो कहीं भी बेच सकता है, वो तो पहले भी बेच सकता था, उसमें नया क्या है। और 2 एकड़ में गेहूं उगाने वाला किसान तमिलनाडु में माल बेचने जाएगा, उसके पास तो एपीएमसी होता है ना कि जाकर मंडी में अपने छोटे से प्रोडक्ट को दे दे। ये तो पूंजीपतियों की बात कर रहे हो आपकी, जिसके पास 50 टन 100 टन माल पैदा होता है वो जाता होगा वहां। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाया इसके अंदर, एक नया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या बोल रहे हैं कि आपके साथ ना पहले रेट तय हो जाएगा कि आपको कितना पैसा मिलेगा। मान के चलो मेरे पास गौतम अडानी जी आ गए, बोले कि यार प्रशांत तुम बड़ा अच्छा गेहूं उगाते हो, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और मैं 3,000 रुपये क्विंटल पर तुम्हारा गेहूं खरीदूंगा। मैंने बोला यार बाजार में 1,800 रुपये, यहाँ 3,000 है, कर लेते हैं। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब मैंने माल देने की बारी आई तो गौतम अडानी साहब ने कहा यार ये तो 1-1 mm छोटा है। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है ग्रेड क्वालिटी, ग्रेड क्वालिटी के नाम पर वो आपके माल को रिजेक्ट कर सकता है। और उसका अपील आप कहाँ करेंगे पता है, एसडीएम के पास। एसडीएम आपकी सुनेगा या उनकी सुनेगा, जो हरीश सालवे जैसे वकील को खड़ा करेंगे जो 50 लाख रुपए एक एक केस के ले लेते हैं। किसान कहाँ से देगा इतना पैसा, और एसडीएम क्यों सुनेगा आपकी, आप हो कौन, अभी सुनता है क्या आपकी, गौतम अडानी के सामने आपकी सुनेगा। इससे किसान पूरी तरह बर्बाद होगा, उसका 3,000 रुपए का सपना देखने वाला जो फसल था, वो गौतम बोलेगा अच्छा चल तेरे पे रहम आ गया, 1,200 रुपए में दे दे ले लेता हूं। तो आप बोलोगे यार वेस्ट होने से अच्छा है 1,200 रुपए में दे दो। तो ये किसानों को बर्बाद। उसके बाद एसेंशियल गुड्स इन्होंने क्या किया, उसको निकाल दिया। एसेंशियल गुड्स को आप स्टॉक कर सकते हो, मतलब जमाखोरी कर सकते हो, और जमाखोरी करेगा कौन, जिसके पास जमा करने के लिए जगह होगी। किसान के पास रहने के लिए छत नहीं है साहब, ठीक है, 10 स्क्वायर फीट का टेंट बनाकर अपने खेतों में बिता देता है पूरा साल। गोडाउन्स जिसके पास होंगे, बड़ी बड़ी जमीनें होंगी, वेयर हाउस होगा, वो करेगा स्टॉक। और वो किसके पास है, वो गौतम अडानी के पास है, मुकेश अंबानी के पास है। आपके पास क्या है, ठेंगा, जो ताली बजा रहे हो। ये कृषि रिफॉर्म बिल है, ये कृषि कृषि रिफॉर्म बिल नहीं है, कृषि बर्बाद बिल है। ये किसानों को बर्बाद करने के लिए ये पूरी योजना के तहत काम किया जा रहा है। इस पूरे देश के मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस देश के वर्कफोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप लोग बड़े गर्व से पढ़ रहे होंगे कि मैं बीटेक कर लूंगा तो मेरा परिवार सुधर जाएगा। आप देखिएगा बीटेक करने के बाद ये आपको अपने ही खेत में 10,000 की नौकरी देंगे, आपके ही खेत में 10,000 की नौकरी करोगे आप। इस तरीके का वातावरण निर्माण कर रहे हैं। एजुकेशन को लेकर आप लोग देखिए, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस प्रकार पूंजीवाद को बढ़ावा देने का काम करती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है देश के अंदर, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आपको बीए करना है तो आपको जो खर्चा है 3 साल का वो लगभग 20,000 रुपया है, 6,500 रुपया, 7,000 रुपया फीस है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन्होंने लाया कि अब जो ग्रांट मिलते थे ना कॉलेजों को, वो ग्रांट नहीं मिलेंगे, वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन्होंने, हेफा। हेफा उसको लोन देगा कॉलेज को। कॉलेज का इनकम क्या होता है, पकौड़े बेचता है कॉलेज, फीस, आपकी फीस से वो लोन चुकाए जाएंगे। और जो एस्टिमेशन बनाया है ना कि आपके बच्चे को, जो रिक्शा वाला सोचता है कि अपने बेटे को दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा लूंगा 20,000 रुपये 3 साल में, वो फीस बढ़कर हो जाएगी 3,95,000 रुपये सिर्फ बीए करने के लिए। तो जो कांस्टेबल जो पुलिस वाले उन छात्रों पर लाठी भांजते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ अपने बच्चों को कैसे पढ़ाओगे 3,95,000 रुपये में। उन ड्राइवरों से पूछना चाहता हूं कि बताओ कैसे पढ़ाओगे अपने बच्चों को 3,95,000 रुपये में। ये संभावना ही खत्म कर देना चाहते हैं।
कि आपके मन में ये खत्म हो जाए कि यार पढ़ाई भी बहुत एसेंशियल है, जरूरी है। ये चाहते हैं कि आप 12वीं पढ़ लीजिए कैसे भी करके 10th लिटरेसी रेट दिखाने के लिए, उसके बाद आप लोग पढ़ लेंगे, सूट बूट टाई पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, रोलेक्स पहनेंगे, तो यार फिर हमारे घर की सफाई कौन करेगा, हमारे मवेशियों को, मरे हुए मवेशियों को उठाएगा कौन? इसकी प्लानिंग अभी से करते हैं।